लोकतंत्र की नई इबारत, मत के हक को जाना भारत। देश का महात्योहार हर व्यक्ति के लिए खास, क्योंकि हर एक की है अलग आस। प्रत्येक मतदाता लोकतंत्र की पहचान है, पर क्या सभी को अपने अधिकार का भान है? शायद नहीं। बहुत से ऐसे मतदाता हैं जो इसकी ताकत को नहीं समझ पाते हैं, पर लोकसभा निर्वाचन 2019 के लिए समर्पित सभी लोगों का प्रयास सफल रहा। तभी तो आज मध्य प्रदेश में वोटिंग प्रतिशत का आंकड़ा बढ़कर एक नए आयाम को छू गया। मध्य प्रदेश में सन 2014 के लोकसभा चुनाव की तुलना में वर्ष 2019 के महात्योहार में प्रदेश के 1,30,00,000 सोशल मीडिया यूजर्स को मध्य प्रदेश की जनसंपर्क विभाग की सोशल मीडिया टीम ने जनसंपर्क आयुक्त पी नरहरी के नेतृत्व में मतदान के महत्व से लेकर हर वो एक जानकारी पहुंचाई जो हर मतदाता के लिए आवश्यक है। एक नजर में देखें सोशल मीडिया के माध्यम से किस तरह जन जन तक पहुंची मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की मतदान की पहल। सन 2014 के लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत था 61.61%। लोकसभा निर्वाचन 2019 में बढ़कर हो गया 71.20%, यानी 10% बढ़ने का श्रेय जाता है मतदाता की जागरूकता को। और इन्हें जागरूक करने का माध्यम रही मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग की पूरी टीम और वो हजारों अधिकारी कर्मचारी जो निर्वाचन के समय पूरी शिद्दत के साथ लगे रहे। इतना ही नहीं, जनसंपर्क की उस पूरी टीम को जिनके जिले में पदस्थ जनसंपर्क अधिकारियों और सोशल मीडिया हैंडलर्स ने लोगों को मतदान के महत्व से परिचय कराया। सोशल मीडिया की इस तरह की कार्यशैली ने करोड़ों मतदाताओं तक पहुंचाई जानकारी। जनसंपर्क विभाग ने निर्वाचन आयोग को दी एक मजबूत टीम जिसने 1 मार्च से ही डटकर कार्य किया और अपने लक्ष्य को हासिल किया। आपको बता दें कि जनसंपर्क की इस टीम में शामिल है राज्य स्तर पर काम करने वाली सोशल मीडिया टीम, संपूर्ण प्रदेश के जनसंपर्क अधिकारी और सोशल मीडिया हैंडलर्स जिनके माध्यम से प्रदेश के 52 जिलों के कलेक्टर, संभागायुक्त, जिला जनसंपर्क सहित अन्य अधिकृत 248 अकाउंट से बड़ी तादाद में मतदाता जागरूकता संबंधी कंटेंट तैयार करके मीडिया के सभी आयामों पर प्रसारित किए गए। जनसंपर्क विभाग ने स्टेट लेवल सोशल मीडिया टीम टेंडर द्वारा चयन कर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को दी, जिनसे कार्य कराने की जिम्मेदारी भी अपने विभागीय अधिकारी श्री सुनील वर्मा को सौंपी गई। इस दक्ष टीम के द्वारा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के मुख्य 4 सोशल अकाउंट्स, फेसबुक पेज, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न गतिविधियां संचालित की गईं, जिसमें लगभग 1200 से ज्यादा इंफोग्राफिक्स, 90 से ज्यादा मीम्स, लगभग 100 से ज्यादा GIF, 200 से ज्यादा इन्फो वीडियो और सैकड़ों की संख्या में क्रिएटिव कंटेंट जो सिर्फ ये बता रहे थे कि एक एक वोट की कीमत क्या होती है। आइए अब आपको बताते हैं कि किस तरह सोशल मीडिया टीम ने अपने लक्ष्य को हासिल किया। प्रदेश के 52 जिलों में संचालित हो रहे कलेक्टर, कमिश्नर एवं जनसंपर्क के अधिकृत 248 फेसबुक एवं ट्विटर अकाउंट के माध्यम से लोकसभा निर्वाचन 2019 में कलेक्टर फेसबुक के अकाउंट के माध्यम से 2,10,60,527 एवं कलेक्टर ट्विटर से 17,62,384 लोगों तक मतदान करने को लेकर निर्वाचन से जुड़ी हर जानकारी पहुंचाई गई। वहीं जिले के जनसंपर्क अधिकारी के PRO फेसबुक पर 67,72,952 और PRO ट्विटर के 20,98,400 इम्प्रेशन ये बताते हैं कि मतदाता जागरूकता के लिए दिल से प्रयास किए गए हैं। यानी कलेक्टर और PRO के टोटल ट्विटर का इम्प्रेशन रहा 38,60,784 और फेसबुक का इम्प्रेशन रहा 2,78,33,479। इस तरह सबकी मेहनत रंग लाई और हमने सफलता भी पाई। जनसंपर्क आयुक्त भी सक्रिय रहे। जनसंपर्क विभाग के सचिव एवं आयुक्त श्री पी नरहरि भी सोशल मीडिया पर एक बड़े इन्फ्लुएंसर के रूप में जाने जाते हैं।
उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अच्छी फॉलोअर्स हैं। निर्वाचन के समय श्री नरहरी ने अपने निजी अकाउंट पर भी मतदाता जागरूकता संबंधी पोस्ट डाले और मतदाताओं के बीच अपना संदेश पहुंचाया कि मतदान अवश्य करें, ये आपका अधिकार है।